हेलो बेटा, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 पेपर वन में विवेंट साउंड में आया है। आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये किया होगा। आप लोगों को याद हो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, इसका फॉर्मूला आता था रूट टी बाई म्यू। टी होता था टेंशन और म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यदि आप ध्यान से देखो तो मास पर यूनिट लेंथ, यहां पर मास पर यूनिट लेंथ और म्यू कैसा गिवन है, कांस्टेंट। पल्स वन ओ पॉइंट पर है, पल्स टू ए पॉइंट पर है, यहां पर वेवलेंथ आपको लैम्डा नॉट गिवन है। तो किसी भी जनरल एक्स पर यदि मैं यहां टेंशन पूछूं तो आप मुझे बताओ, एनएलएम से टेंशन, इसका एमजी प्लस इसका एमजी, इसका एम प्लस इसका मास क्या होगा, मास इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू लेंथ, तो म्यू इंटू एक्स इंटू जी। तो किसी भी जनरल टाइम पर इसकी स्पीड हो जाएगी, इस पल्स की स्पीड हो जाएगी एम प्लस म्यू एक्स जी अपॉन म्यू। अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करो। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है द टाइम ए टू ओ, मतलब इस पल्स का जो टाइम है और इस पल्स का, दोनों का टाइम सेम होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा सोचो, इसको आप लिखोगे डीएक्स अपॉन डीटी। यदि मैं किसी भी जनरल पॉइंट पर टेंशन निकालूं, चाहे इस पल्स के लिए टेंशन हो या इस पल्स के लिए यहां पे टेंशन हो, दोनों के लिए टेंशन सेम होगी। तो आप देखो कैलकुलेशन, सॉरी डीएक्स अपॉन डीटी, ये कैलकुलेशन दोनों के लिए कैसा है, सेम। इसको इस तरफ ले जाओगे, इसको इस तरफ ले जाओगे, दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम आ रहा है और सेम कैलकुलेशन आ रहा है, तो 100% यहां पे टाइम कैसा होगा, सेम। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो इसको इस तरफ ले जाके, तो दोनों के टाइम सेम आ रहे हैं, ए टू ओ और ओ टू ए। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन हो गया राइट। अब मैं बात करूं बी पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ टू पल्स, पल्स वन एंड पल्स टू आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। मिड पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, जब ये मिड पॉइंट पर आएगा तो ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा, ये वाली पल्स डाउनवर्ड्स मूव करेगी, ये वाली पल्स अपवर्ड्स मूव करेगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंक्लूड होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी, स्पीड सेम होगी। स्पीड सेम क्यों होगी, क्योंकि इस स्टैंड पर टेंशन दोनों की क्या होगी, सेम। किसी भी स्टैंड पर जब ये दोनों मीट करेंगी उस स्टैंड पर स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी अपोजिट होगी, इसलिए वेलोसिटी हम लोग सेम नहीं बोल सकते, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब सी की बात करूं, द वेवलेंथ ऑफ द पल्स वन बिकम्स लॉन्गर वेन इट रीचेस एट पॉइंट ए, मतलब जब ये यहां पहुंचेगी तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी क्या, देखते हैं। वी इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। आप सब लोगों को पता है स्पीड होती है मीडियम की प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ द पल्स डिसाइडेड बाय द मीडियम, और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है प्रॉपर्टी, सोर्स की, सोर्स डिसाइड करता है। तो देखो दोनों को एक ही सोर्स से दी गई है पल्स, तो ये फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए कैसी है, सेम। अब मुझे बताओ टेंशन कहां पे ज्यादा होगी, टेंशन ओ पे ज्यादा होगी एक ही कंपेरियन में, कैसे बताओ। यहां पे जो टेंशन होगी ओनली एम जी, यहां टेंशन होगी इसका वेट प्लस इसका वेट, दोनों का वेट आएगा। तो मुझे बताओ टेंशन, जहां पे टेंशन ज्यादा, म्यू तो सबके लिए सेम है, वहां स्पीड भी ज्यादा, तो ज्यादा स्पीड होगी, वीओ इज ग्रेटर देन वीए। तो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी तो दोनों के लिए सेम है, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, लेमडा ओ इज ग्रेटर देन लेमडा ए। तो क्या क्वेश्चन में था, पल्स वन बिकम्स लॉन्गर वेन इट रीचेस द पॉइंट ए, जब ये यहां पहुंचेगी तब वेवलेंथ नहीं बेटा कम हो जाएगी, इसलिए यहां पर सी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब मैं बात करूं डी वाले ऑप्शन की, डी वाला सोचो, द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। सोचो वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, इसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। कॉन्सेप्चुअली जरा याद करो, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मीडियम की और ये सोर्स की। ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा, सोर्स। कितनी स्पीड से जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, मीडियम। तो दोनों इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है वेवलेंथ, क्योंकि यहां स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम एंड टेंशन। आपको याद है इनर्शिया, याद है टेंशन किस किस पे डिपेंड करना चाहिए, इलास्टिसिटी इनर्शिया, तो इस पे डिपेंड कर रही है, ना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर, द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये वाला ऑप्शन भी राइट है, डी वाला ऑप्शन भी यहां पर राइट हो गया। तो ऑप्शन कौन कौन से सही आ रहे हैं, सी वाला रॉन्ग हो गया, बी वाला, तो आंसर इज ए एंड डी। नोट करिए।